जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है और अगर जीवन में अनुशासन बनाए रखने की शिक्षा गुरु दे तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा ही असर रविवार को हबीबगंज स्थित जैन मंदिर में देखने को मिला, जहां मुनि श्री अजीत सागर महाराज, एल के विवेकानंद महाराज, पुराण सागर महाराज और आरा सागर महाराज ने जीवन में भक्तों को अनुशासन में बने रहने की सलाह दी। इस अवसर पर परहाल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन के अध्यक्ष संयम जैन ने मुनि श्री के श्रीफल भेंट किया। इस अवसर पर संयम जैन को शाह श्रीफल से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश शासन की सिविल सेवा में 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है और जैन धर्म की इन युवतियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में आने का अवसर मिलना चाहिए। जब ऋचा और वंदना प्रशिक्षक हो सकती हैं तो हमारी छात्राएं, हमारी प्रतिभावान छात्राएं इन प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी के लिए उनके साथ सहभागी क्यों नहीं हो सकती। अनुशासन का जो बैनर है उसके अपने अनुशासन बने, अपने नए नियम बने, नए मापदंड बने, नए पैमाने बने, लेकिन उनके लिए भी प्रवेश इसमें होना चाहिए। दूसरी चीज, प्रतियोगी परीक्षा में जो छात्र चयनित हुए हैं वो जिस शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आए हैं उसके अंदर उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के और अवसर बढ़ाने के लिए हमें एक शैक्षणिक संस्था को निर्मित करना चाहिए जहाँ पर उनकी पर्सनलिटी प्रूविंग इनिशियल लेवल से हो, ताकि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अपने लिए रास्ते और प्रशस्ति कर सकें। अभी दर्शन से उन्होंने आचार्य गुरु पर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पे अनुशासन नाम की संस्था हमने संचालित करी। धार्मिक व्यवस्थाओं से हटके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई के लिए व्यवस्था की गई है, जो भी हमारे जैन समाज के अनेक IAS IPS अधिकारियों द्वारा यहाँ पे उनको शिक्षा दी जाती है और उसके बहुत बेहतर परिणाम हमारे बीच में आए हैं। पिछले वर्ष लगभग 17 बच्चे PSC के माध्यम से सरकारी नौकरियों में हमारे अधिकारियों